हेलो दोस्तों, मैं तपन कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग तपन को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम यहाँ पे कब होने वाला है। तो जो अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, आपको पता होगा सबको, जो असिस्टेंट लोको पायलट ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम डेट था और लास्ट डेट था ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो भी दोस्तों एक्सटेंड कर दिया गया है। और यहाँ पे कब आएगा परीक्षा का डेट जो है दोस्तों, जो पहले से था एक डेट, क्या उसी डेट में असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रुप डी होगा या इसके बाद होगा, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरा डिटेल्स। तो वीडियो के साथ बने रहिए, तो वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। और दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइए। और दोस्तों, जो लोगों का असिस्टेंट लोको पायलट या ग्रुप डी का कोई भी इशू है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, और जैसे कि आवेदन करने का जो 10th वाला अभी एलिजिबल हो गया है ग्रुप डी सारी पोस्ट के लिए, तो दोस्तों उन लोगों के लिए अभी मॉडिफिकेशन होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो हो रहा था, तो उनका मॉडिफिकेशन होगा। दोस्तों, मॉडिफिकेशन करने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो मॉडिफिकेशन शुरू होने वाला है दोस्तों, मॉडिफिकेशन शुरू होगा 1 मार्च से, 28 फरवरी के बाद 1 मार्च से शुरू होगा। तो मेरा चैनल में पहला वीडियो आपको मिल जाएगा, आपको अगर गलती है कैसे आपको मॉडिफिकेशन करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कब एग्ज़ाम डेट होने वाला है और जो पहले से कब था। आप सबको पता होगा पीयूष गोयल जी ने अभी 10th क्वालिफिकेशन वालों को भी एलिजिबल कर दिया है, जो ग्रुप डी के लिए उन लोगों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी डेट जो था ग्रुप डी का था 12 मार्च को लास्ट डेट था और एएलपी का 5 मार्च को था, तो अभी दोस्तों वो एक्सटेंड करके 31 मार्च तक लास्ट डेट कर दिया है दोनों में। तो दोस्तों, इसके लिए 1 महीना पूरा एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कब इसका टेंडेटिव शेड्यूल रखा गया था। जो सेंट्रलाइज नोटिस नंबर यहाँ पे 2 फरवरी 2018 जो ग्रुप डी के लिए रखा गया था, वहाँ पे टेंडेटिव शेड्यूल रखा गया था मई, मतलब अप्रैल और मई तक यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला था। दोस्तों, क्या दोस्तों इस डेट में हो सकता है एग्ज़ाम? तो दोस्तों, नहीं होगा इस डेट में। तो जैसे कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट 1 महीना बढ़ा दिया गया है, तो इसी तरीका में आपको 1 महीना आपको बढ़ा देंगे एग्ज़ाम डेट। जैसे कि ये ग्रुप डी का और ऐसे भी एएलपी का भी टेंडेंटिव शेड्यूल रखा गया था, असिस्टेंट लोको पायलट के टेंडेंटिव शेड्यूल रखा गया था अप्रैल मई तक यहाँ पे भी एग्ज़ाम होने वाला था। ये भी दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मैं 2011 से रेलवे के साथ जुड़े हुए हूँ, कॉम्पिटेटिव लाइन में आया था, उसके बाद नौकरी मुझे मिल गया है, मुझे थोड़ा पता है दोस्तों, क्योंकि इनका जो शेड्यूल रहता है वो शेड्यूल में नहीं होता है। इससे पहले क्या ऑफलाइन होता था, ऑफलाइन में एडमिट कार्ड बनाने में, पोस्टल में भेजने में वो काफ़ी लेट होता था। दोस्तों, इस बार क्या होगा कि ऑनलाइन फटाक से एडमिट कार्ड बन जाएगा और उसके लिए ऑनलाइन में आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पे 15 दिन आप पकड़ लो कि टॉलरेंस 15 दिन प्लस और माइनस हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मई में लास्ट डे दिया था कि मई में एग्ज़ाम होने वाला था, तो आप पकड़ लीजिए जून में फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा। दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट का क्या होगा कि तीन एग्ज़ाम, तो जून में पहला एग्ज़ाम होगा, उसके बाद 1-2 महीने के बाद हो जाएगा असिस्टेंट लोको पायलट पर। और ग्रुप डी का जो है दोस्तों, ग्रुप डी में एक ही रिटेन एग्ज़ाम होगा, वो भी ऑनलाइन टेस्ट होगा, और वो शेड्यूल रखा गया है। अभी फाइनली ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया, तो नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा मेरे चैनल में। और अभी जो शेड्यूल जो रखा गया है, जून में रिटेन टेस्ट होगा, और उसके लिए आपकी एक ही बार रिटेन टेस्ट होगा, तो आपको जुलाई अगस्त में ये ऑनलाइन जो रिजल्ट भी निकाल देगा। दोस्तों, रिजल्ट के बाद आपको पीईटी टेस्ट देना पड़ेगा ग्रुप डी में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके लिए भी बहुत टाइम कम है। दोस्तों, इस बार बहुत एप्लीकेशन आने वाला है, 1.5 करोड़ जैसा एप्लीकेशन आने वाला है। शेड्यूल रखा गया है जो रेलवे मिनिस्टर के अनाउंसमेंट था कि इस बार हम उम्मीद करते हैं कि 1.5 करोड़, तो उसके लिए 1 लाख पोस्ट है, तो 1.5 करोड़ ये जो नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा चैनल से जितना भी हेल्प हो सकता है मैं ज़रूर करूँगा आप लोगों को। आप थोड़ा खुद को तैयारी कीजिए, और एग्ज़ाम बहुत टॉप होने वाला है, बहुत हाई लेवल कंपटीशन होने वाला है,
तो इसको बहुत ज़रूरी है कि टॉप लेवल कंपटीशन करना है। तो दोस्तों इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी तैयारी कीजिए, और जो बुक्स नहीं खरीदे तो बुक्स में भी प्रोवाइड किया था सिलेक्टिव बुक्स, और इसके बाद जो सिलेबस भी बताया था। दोस्तों चैनल को जाके फॉलो कीजिए, मेरे चैनल में सारे चीज़ भरा हुआ है दोस्तों। दोस्तों फाइनली कंक्लूजन में ये हम पकड़ के चलते हैं, आप मई में जो लास्ट है हुआ था, तो जून लास्ट या जुलाई में फाइनली रिटन टेस्ट हो जाएगा पीटी, जो पीटी ग्रुप डी के लिए, वो थोड़ा 2-3 महीना लेट लगेगा, और जो फास्ट एज सीबीटी एएलपी के लिए असिस्टेंट लोको पायलट, वो भी जून या जुलाई में फाइनली शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आप तैयारी ज़रूर कर लीजिए, तो उसी हिसाब में आपकी पढ़ाई शुरू कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।